ये फिल्म बहुत समय के बाद भोजपुरी में आ रही है और इसको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ मंजुल जो है इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर साहब को देता हूँ कि जैसी फिल्म थी जैसी भोजपुरी को एक सिनेमा चाहिए था वो ऐसा है। कानू मुखर्जी की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, दिनेश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया, अमरूपाली एंड मोनालिजा, सो मैंने बड़ा मज़ा लिया इस फिल्म में। मैंने फिल्म देखी है, बहुत अच्छी लगी। बहुत ग्रोथ हुआ, अभी फिल्म का बजट बढ़ा, जैसे ये बहुत महंगी फिल्म है इसी तरह फिल्मों का बजट बढ़ता गया, टेक्निकली फिल्म बहुत अच्छी हो गई, अभी राइटिंग भोजपुरी की बहुत अच्छी हो गई, सो ऑफकोर्स नो डाउट भोजपुरी ने अभी बहुत अच्छी ग्रोथ ली और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बढ़ते रहे। ये फिल्म कल एक इतिहास रचेगी, कल ये सिनेमा हॉल में लगेगी और उसके बाद लोग बड़ा खुश हो जाएंगे। रवि किशन की बात करें तो रवि किशन भोजपुरी के और जनक जाने जाते हैं। इमोशनल हो जाता हूँ जब भी ऐसा सवाल आता है। हर हर महादेव, थैंक यू, भाग्यशाली हूँ कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं इतने सालों से, और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बहुत मज़ा आता है। आने वाली फिल्में हमारी सरप्राइज़ मिलेगा, कल राजा बाबू में भी हम एक सरप्राइज़ के रूप में हैं, फिर 21 तारीख को एक मेरी तेलुगु फिल्म है जो ऑल इंडिया लग रही है, किक 2, रवि तेजा के साथ, और फिर अगले महीने सनी देओल साहब के साथ एक फिल्म लग रही मोहल्ला 80। आज रात मैं एक बैंकॉक जा रहा हूँ, एक नई हिंदी फिल्म साइन की है मैंने एज ए लीड, सो इस वक्त काफ़ी बॉलीवुड की फिल्में हैं और तेलुगु काफ़ी हैं, भोजपुरी भी 2-3 हर साल आएंगी, सो ईश्वर ने ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट फेज चल रहा है अभी। हाँ, मैं एक फिल्म अभी शुरू करने जा रहा हूँ अगले महीने से, ट्रायंगल है वो, उसमें अक्षरा हसन है और नसीर भाई के बेटे हैं, तो ट्रायंगल लव स्टोरी है और वो बहुत उम्र में छोटी है, तो मुझे बहुत ही स्लीक होना है उसके लिए, तो वो डेफिनेटली वो करना ही। रवि किशन की बात करें तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर रवि किशन को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए? रवि किशन को इम्प्रेस करना हो तो बहुत मेहनती होना पड़ेगा, बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने काम से और बड़ा फोकस होना पड़ेगा, मतलब सिवाय काम के और कुछ नहीं। तो मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ उस कोई भी व्यक्ति से जो अपने काम के प्रति बड़ा ईमानदार रहता है, मुझे वो चीज़ बहुत भाती है। बस यही कि आज़ाद देश है, इसको आज़ाद देश की तरह रखें, आतंकवादी हमले होते रहेंगे, ये 15 अगस्त को भी होंगे, आप लोग सचेत रहिएगा क्योंकि उनका काम है हमला करना, आपका काम है सचेत रहना, तो आम सभी लोगों से यही निवेदन है कि जहाँ भी कोई भी लावारिस चीज़ दिखे उसको आप लोग बड़ा इमिजिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें, और जैसे कि खबर आई है रॉ से और सब जगह से कि एक बड़ा हमला होने की शंका है, तो प्लीज़ हिंदुस्तान जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप लोग सचेत रहिएगा, अगल बगल की हर एक्टिविटीज़ पे आप लोगों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक किसी चैनल से बात ही नहीं की इस बारे में, वहाँ मैं बगल में शूटिंग कर रहा था तो वो वहाँ थी, तो हमारे डायरेक्टर जो मैं फिल्म करने जा रहा हूँ उन्होंने कहा कि वो आई हैं, तो मैं दर्शन करने गया और ऐसा कुछ नहीं, बाकी मैं कुछ भी कहूँगा तो पूरा वो बात की बात बन जाती है। आप जितना पहचानते नहीं, अभी हमारी एक ही दर्शन एक मुलाकात हुई, मैं उस पर कुछ भी कहूँगा तो फिर बहुत, क्योंकि मैंने सारे चैनल्स को मना किया था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा और यहाँ बोल दूँगा फिर सबको आनंद, मुझे आनंद लगा, मुझे अच्छा लगा और सबको हर, मैं शिव जी को मिलने चला जाता हूँ पहाड़ों पे, मैं कहीं कहीं चला जाता हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, सब व्यक्ति हैं मुझे, और मैं कभी 2 बातों में फिर 4 बात फिर 8 बात है ना। एक आखिरी सवाल, रवि किशन हो और हर हर महादेव ना हो तो ये कैसे पॉसिबल? हाँ, श्रावण का महीना है तो यही कहूँगा कि हर हर महादेव, यही आनंद है। थैंक यू, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, और अखिलेश भैया और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं मंजुल ठाकुर को राजा बाबू फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये फिल्म बहुत अच्छी जाए, ब्लॉकबस्टर जाए, क्योंकि इसके बाद हमारी फिल्म आने वाली है आशिक वाला, उसका शूटिंग 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है।
सर, इस फिल्म राजा बाबू में मैं एक कॉमेडी कैरेक्टर प्ले किया हूँ और बहुत अच्छी मूवी है राजा बाबू। मैं दर्शकों से यही निवेदन करूँगा, इस मूवी को फुल एंजॉय करें और जाएं इस थिएटर तक, इस मूवी को देखें। एक साफ़ सुथरी मूवी बनी हुई है भोजपुरी में, बहुत अच्छी मूवी है राजा बाबू। अगर आपके किरदार की बात करें तो आपने इसमें विलन का? सर, मैं विलन कैरेक्टर प्ले करता हूँ, लेकिन इस मूवी में मैं एक कॉमेडी प्ले किया हूँ और विलन के साथ में बहुत अच्छी कॉमेडी किया हूँ मैं। सर, विलेन से कॉमेडी करना तो मुश्किल है, लेकिन एक्टरों के लिए तो मुश्किल नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आया कॉमेडी करके इस बार इसमें। दिनेश जी के साथ सर काम करके पहली बार मैंने राजा बाबू उनके साथ काम किया और बहुत मज़ा आया मुझे दिनेश जी के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें रवि भैया भी थे, बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों का, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे राजा बाबू में काम करके। बात करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हाँ नमस्कार, हम मनोज द्विवेदी, हम आइल बनी रहो राजा बाबू की प्रीमियर पर। ये हमारे भैया अखिलेश कुमार सिंह ने बनाया है, हमारे तरफ से, विजय भैया की तरफ से आप सबको, इस फिल्म को, इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। विजय साई जी, मैं अखिलेश सिंह का मित्र विजय साई और कुशीनगर से मैं आंचल के आया हूँ और यह पिक्चर नदिया के पार की तरह पहली बार एक पूरी पारिवारिक पिक्चर जो भोजपुरी को छूती हुई हिंदी पिक्चर को भी टच कर रही है और इसके लिए ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं इस सभी टीम मेंबर्स, सभी लोगों को, सभी दर्शकों को धन्यवाद।